अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं सैयद नासर अली और आप देख रहे हैं अपना मनपसंद यूट्यूब चैनल ट्यूटोरियल गीक। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है, डिश सेटिंग के लिए सेटेलाइट फाइंडर जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है। तो काफ़ी दोस्त सेटेलाइट फाइंडर बाय करना चाहते हैं, लेकिन सेटेलाइट फाइंडर काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप एटी सेटेलाइट फाइंडर की बात करें तो वो तकरीबन आपको 14,000 से 15,000 के अंदर मिलता है, और अगर सिंपल जिस पे सिग्नल शो होते हैं, टीवी चैनल स्कैन नहीं होते, वो भी तकरीबन 7,000 से 8,000 के बजट में आपको मिलता है। तो कुछ दोस्त हैं जो कि ये सेटेलाइट फाइंडर अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उन्हीं दोस्तों के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा आप किस तरह बहुत ही आसानी से, बहुत ही कम लो बजट में अपना सेटेलाइट फाइंडर तैयार कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मुकम्मल डिटेल के लिए आपको ये वीडियो एंड तक देखनी है, वीडियो को स्किप नहीं करना। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, कोई किसी चीज़ की समझ ना आए तो आप कमेंट में पूछ भी सकते हैं। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल ट्यूटोरियल की सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल का आइकन भी प्रेस कर दें ताकि हमारी तमाम लेटेस्ट अपडेटेड वीडियोस आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, चलते हैं और आपको बताते हैं कि आप किस तरह खुद डिश सेटिंग के लिए सेटेलाइट फाइंडर बना सकते हैं बहुत ही कम बजट में, मीन के 4,000 से 5,000 के अंदर बहुत ही अच्छा फुल एचडी सेटेलाइट फाइंडर आप खुद भी बना सकते हैं। फ्रेंड, ये सेटेलाइट फाइंडर बनाने के लिए आपको दो चीजें चाहिए होंगी। फ्रेंड्स, एक आपको ये एलसीडी चाहिए होगी, जिसे पोर्टेबल डीवीडी प्लेयर भी कहते हैं, या आप इसे डी सेटिंग एलसीडी भी कहते हैं। ये फ्रेंड मुख्तलिफ साइजेस में मार्केट से मिल जाती है, 7 इंच, 8 इंच, 9 इंच, 10 इंच, जितने इंच भी आपको चाहिए मार्केट से आपको आसानी से मिल जाती है। फ्रेंड, इसकी प्राइस की बात की जाए, फ्रेंड ये आपको 2,500 से लेके 3,000 के अंदर ये एलसीडी आसानी से मिल जाती है। फ्रेंड, इसका बैटरी बैकअप भी बहुत अच्छा होता है, 3 to 4 hours ये आपको बैकअप भी देती है। तो फ्रेंड, सबसे पहली चीज़ होगी कि आपके पास ये डिश सेटिंग एलसीडी होनी चाहिए। फ्रेंड, चाहे वो 7 इंच है, 8 है, 9 है, 10 है, जितने इंच भी आपको चाहिए मार्केट से आप ढूंढें, तो ये आपको फ्रेंड ज़्यादातर सेकंड हैंड ही मिलेगी। न्यू काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होती है, तो अगर आपको कहीं से सेकंड हैंड मिलती है, बैटरी टाइम अच्छा है, तो आप इसको बाय कर सकते हैं। फ्रेंड, हमारे पास इसका स्टॉक अभी अवेलेबल नहीं, अगर अवेलेबल होता तो आप हमसे भी बाय कर सकते थे। तो फ्रेंड, पहली चीज हमारे पास हो गई कि ये डिश सेटिंग एलसीडी आपके पास होनी चाहिए, ठीक है फ्रेंड। उसके बाद फ्रेंड्स, आपके पास GX405SFN F2 वाला एक रिसीवर होना चाहिए, जिसको आप इस एलसीडी के साथ कनेक्ट करके डिश सेटिंग का काम कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैंने क्यों कहा कि GX405S वाला ही रिसीवर होना चाहिए? फ्रेंड्स, सबसे पहली बात कि ये रिसीवर इतना कॉस्टली नहीं होता, मार्केट से आपको तकरीबन ये 1,500 से लेके 2,000 के अंदर मुख्तलिफ मॉडल्स होते हैं। किसी में छोटा बोर्ड होता है, किसी में बड़ा, छोटी फ्लैश, बड़ी फ्लैश का चक्कर होता है, बाकी इसमें लोकल मेड, चाइना मेड भी होते हैं। तकरीबन ये 1,800 से 2,000 के अंदर आपको मार्केट से आसानी से मिल जाता है। तो ये तकरीबन आपके, अगर टोटल बजट की बात की जाए, तकरीबन 4,500 से लेके 5,000 के अंदर आपको ये दोनों चीज़ें मिल जाएंगी। तो अगर आपके पास ये दोनों चीज़ें मौजूद हैं फ्रेंड, तो आप आसानी अपना डिश सेटिंग के लिए सेटेलाइट फाइंडर बना सकते हैं। फ्रेंड, अब बात के मैंने GX405S वाले रिसीवर की बात ही, क्योंकि मैंने क्यों आपको कहा कि आप GX405S वाला रिसीवर ही बाय करें फ्रेंड्स, क्योंकि इसका एक सॉफ्टवेयर है जिसको करने से आपका जो रिसीवर है वो सेटेलाइट फाइंडर बन जाएगा, उसमें सेटेलाइट फाइंडर वाले फीचर्स आ जाते हैं। तो ये देखिए, ये मेरे पास, अभी मैं आपको दिखा भी देता हूँ फ्रेंड्स। फ्रेंड, ये देखिए, ये आपकी डी सेटिंग एलसीडी होगी, और ये मेरे पास नीचे जो रिसीवर आपको शो हो रहा है, ये GX405S F1 F2 वाला रिसीवर है। इसको मैंने इसके साथ कनेक्ट किया हुआ है फ्रेंड्स, एलसीडी के साथ, और इसमें आप देख सकते हैं सेटेलाइट फाइंडर वाला मेन्यू है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली बात आपको समझ आ गई, ये सेटेलाइट फाइंडर बनाने के लिए आपको एक चाहिए होगा GX405S वाला रिसीवर, और दूसरा आपको ये डी सेटिंग वाली एलसीडी चाहिए होगी। ये दोनों चीजें फ्रेंड्स होगी। उसके बाद अब बात के हम फाइंडर को कैसे बनाएंगे। फ्रेंड, नॉर्मली तो जब आप इसको यूज करेंगे सेटिंग के बगैर, मीन के इसके सर्किट वगैरह तब्दील किए बगैर, नॉर्मली तो फिर आपको रिसीवर को पावर देने के लिए एक्सटेंशन की जरूरत होगी। तो हमने क्या करना है फ्रेंड, इसमें तो ऑलरेडी हमारे पास बैटरी लगी हुई है, 3 hours का बैकअप भी इसमें है। हमने क्या करना है, ये रिसीवर का फ्रेंड, आप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे जाएं जो रिसीवर वगैरह रिपेयर करते हैं, टीवी रिपेयर करते हैं, उन्हें आपने बताना है कि इस रिसीवर को इस बैटरी के साथ उन्होंने कनेक्ट कर देना, ठीक है। इसका सर्किट वो ये
बैग से इसका कवर उतारेंगे, इसकी जो पावर है इस एलसीडी के साथ कनेक्ट कर लेंगे, इन दोनों को आप एक ही जगह कर लें। मीन के इसका जो बटन होगा पावर वाला, ये ठीक है, यहाँ पे आपको शोर है, इसका कनेक्शन इस एलसीडी के साथ हो जाएगा। ठीक है, इस एलसीडी की जो पावर होगी वो रिसीवर को भी मिलेगी, इसको भी मिलेगी, तो ये दोनों चीजें एट अ टाइम आपकी ऑन हो जाएंगी। ये इसका अगर 4 घंटे बैकअप है तो ये आपका 2 या 2.5 घंटे आपको बैकअप देगा। फ्रेंड अगर आप ज्यादा बैकअप चाहते हैं फिर आप एक एक्सटर्नल बैटरी 12 वोल्ट वाली ले लें और इसमें 12 वोल्ट का सर्किट लगा के आप इसके साथ कनेक्ट कर लें, तो ये आपका बहुत ही जबरदस्त ट्राइड फाइंडर तैयार हो जाएगा। तो ये बाकी अगर सॉफ्टवेयर की बात करें, बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है फ्रेंड। ये देखिए इंस्टॉलेशन में आप जाते हैं, जैसे सैटेलाइट फाइंडर का मेन्यू होता है उसी तरह का आपको मेन्यू शो होता है। फ्रेंड अगर आपके पास ऑलरेडी GX405S वाला रिसीवर मौजूद है तो आपको ये सॉफ्टवेयर चाहिए सैटेलाइट फाइंडर वाला, तो इसका लिंक मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर आप ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड करें और इसको GX405S वाले तमाम रिसीवर, चाहे वो छोटी फ्लैश में हो या बड़ी में, तमाम में ये सॉफ्टवेयर सपोर्टेड है, आप ये सॉफ्टवेयर कर लें अगर आपके पास ऑलरेडी रिसीवर मौजूद है। फ्रेंड इस सॉफ्टवेयर का लिंक अगेन मैं बता दूं, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर आप इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करके GX405S वाले रिसीवर में इंस्टॉल करें और अपने रिसीवर को सैटेलाइट फाइंडर बनाएं। इसी तरह फ्रेंड इसकी मेन जो चीज है डी सेटिंग के लिए, सैटेलाइट फाइंडिंग के लिए, वो इस तरह फ्रेंड कोई भी आपने टीपी लगाई है या सैटेलाइट ट्यून के, ये देखिए आप एक दफा इन्फो का बटन प्रेस करेंगे इस तरह इसकी डिटेल शो होगी, दूसरी बार आप प्रेस करेंगे तो इसके जूम सिग्नल आपको शो हो जाएंगे। इन सिग्नल को आप सामने रख के कोई भी सैटेलाइट आसानी से ट्रैक कर सकते हैं। ये देखिए एक तरफ आपकी स्ट्रेंथ, एक तरफ क्वालिटी, जब कोई भी सैटेलाइट के नजदीक आप पहुंचेंगे फ्रेंड इसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगी और आहिस्ता आहिस्ता आपके पास क्वालिटी आना शुरू हो जाएगी, जैसा कि सैटेलाइट फाइंडर में ऑप्शन होती है। तो बहुत ही जबरदस्त फ्रेंड ये फीचर्स हैं जो मैंने आपको बताए हैं। तो इस तरह काफी दोस्त सैटेलाइट फाइंडर का पूछते रहते हैं, तो फ्रेंड ये आप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे चले जाएं, इन दोनों चीजों को लेकर उनको आप बता दें कि ये जो एलसीडी है इसको आपने रिसीवर के साथ कनेक्ट करना है, इसको चाहे आप एलसीडी से पावर देते हैं या कोई एक्सटर्नल बैटरी वगैरह आप साथ रखते हैं, तो आपका फुल HD सैटेलाइट फाइंडर तकरीबन 4.5 से 5 हजार के अंदर तैयार हो जाएगा, जो कि बहुत ही बेहतरीन वर्क करेगा। तो फ्रेंड ये डी सेटिंग के हवाले से काफी दोस्त पूछते रहते हैं कि सस्ता सा सैटेलाइट फाइंडर बताएं, तो उसी चीज को देखते हुए ये एक वीडियो आप लोगों के लिए तैयार की है। उम्मीद है कि इसको देख के आप अपना सैटेलाइट फाइंडर बना सकते हैं। तो फ्रेंड वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल ट्यूटोरियल की सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल का आइकन भी प्रेस कर दें ताकि हमारी तमाम लेटेस्ट अपडेटेड वीडियोस आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स मुझे दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।